ये हमारा लगभग दोनों साइड से 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है इसमें। हम होल पर रख कर देखते हैं कि हमारी स्लीव्स आर्म होल से कितनी छोटी या बड़ी आ रही है। तो देखिए पहले ये फ्रंट वाला है कि ये स्लीव इसमें स्टिच हो चुकी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। आपको एक बॉडीज कटा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में एक स्लीव रखी हुई है। अगर आपने देखा हो तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जिसमें कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल बनाया है जो कि है अगर हमारा आर्म होल छोटा हो जाए तो हम उसे ठीक कैसे करें। उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है और बहुत अच्छे से सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो जरूर देखा होगा। साथ में काफी सारे क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि जिनका आर्म होल बड़ा हो गया है वो कैसे ठीक करें। तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली आपके लिए ये ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। अगर हमारा आर्म होल कटिंग करते समय बड़ा हो जाए, वो सूट, ब्लाउज, ड्रेस, गाउन कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर हमारा आर्म होल कटिंग करते समय बड़ा हो जाए तो उसको हम कैसे सुधारें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आज हम इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ना मैंने एक जैकेट कट करी है। देखिए ये इस तरह से एक मैंने जैकेट कट करा है। ये है इसका बैक पार्ट, आप देख सकते हैं, जो कि पूरा बंद है। ये देखिए, ये इस तरह से इसका बैक पार्ट है, ये पूरा बंद है। तो इसको तो हम एक साइड हटा देंगे। ये है इसका फ्रंट, तो फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। ये ऐसे बनेगा और ये वी शेप में आएगा। ठीक है, होप कि आपको सब कुछ अच्छे से नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये इस तरह से ये वी शेप में रहेगा। अब मैंने इसकी पूरी कटिंग एकदम रेडी कर ली है, ये सिर्फ स्टिच करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब ये हमारी स्लीव्स है, तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी होती है, उसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, उसका पूरा एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहाँ से जाके स्लीव्स की कटिंग कैसे कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो ये स्लीव का कट करने का पैटर्न जो होता है ये बाइसेप से होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम इस स्लीव्स को इस आर्म होल पर रख कर देखते हैं कि हमारी स्लीव्स आर्म होल से कितनी छोटी या बड़ी आ रही है। तो देखिए पहले ये फ्रंट वाला है, इसको हम अच्छे से बिठा देते हैं। हम नापेंगे बैक वाले आर्म होल से, ठीक है, क्योंकि उसमें कट नहीं लगा होता है, फ्रंट वाले में कट लगा होता है। तो ये मैंने बैक वाला आर्म होल रख लिया है स्क्रीन के सामने और ये मेरी स्लीव्स हैं। ये हमारी स्लीव्स कट करी हुई हैं। अब देखिए, अब हम इसे किस तरह से मेज़र करेंगे। ये हमारा सेंटर होता है, यहाँ पर हमें इतना हाफ इंच पर हमें स्टिच करना होता है शोल्डर स्टिचिंग के लिए। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे और हम इसको घुमाएंगे तो हमारी स्लीव का मार्क यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा आधे से 1 इंच का ये बड़ा आ रहा है हमारी स्लीव से। ठीक है, तो अब इसको हम छोटा कैसे करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये बॉडीज स्टिच कर लिया है जितना कि मुझे प्रैक्टिकल करना है। फिलहाल में मैंने उतना स्टिच कर लिया है, इसका नेक वगैरह मैं बाद में बनाऊंगी। और ये मैंने इसकी स्लीव स्टिच कर ली है। ये वो स्लीव का आर्म होल है और ये बॉडीज का आर्म होल है, यानी कि जो जैकेट मैं बना रही हूँ ये उसका आर्म होल है। मैंने फिटिंग लगा ली, बाकी सारा काम अभी कुछ भी नहीं करा है। तो चलिए पहले हम इस स्लीव का और इसका बॉडीज का आर्म होल मेज़र करते हैं कि ये हमारा कितना बड़ा और कितना छोटा आ रहा है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे मिलाया इसको इस कॉर्नर से, इस तरह से हम इसे मिलाते चलेंगे। और देखिए ये हमारा लगभग दोनों साइड से 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 इंच के लगभग, बल्कि ज़्यादा ही, 1 इंच से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा ये जब हम इसे पूरा यहाँ से ओपन करेंगे। तो सो ये इसको हम इस तरह से रख कर मेज़र करते हैं और ये देखिए हमें पता चला कि यहाँ पे हमारा इतना डिफरेंस आ रहा है। अब इस डिफरेंस को कवर करने के लिए, अभी तो ये हमने बैक का मेज़र करा, जब हम फ्रंट का मेज़र करेंगे तो ये और ज़्यादा, इसका जो गैप है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो हमारा आर्म होल है ये लगभग 1.5 से 2 इंच के करीब हमारा स्लीव के आर्म होल से बड़ा आ रहा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस स्लीव्स को इसमें अब हम किस तरह से फिट करेंगे और इस आर्म होल के साथ में हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि ये दोनों इक्वली फिट हो जाएँ। तो देखिए, मैंने मशीन में थ्रेड लगा लिया है और अब देखिए ये हमारा आर्म होल है, वो वाला बॉडीज का आर्म होल है जो कि हमें इस स्लीव्स के अकॉर्डिंग साइज में फिट करना है। तो चलिए पहले अब हम देखते हैं कि ये कैसे हमें फिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ इसमें। देखिए, ये जहाँ से हमने इसमें सिलाई लगाई है ये वो सिलाई वाला पार्ट है, इसको हम इस तरह से सिंगल करके थ्रेड को पूरा ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर इसको रखेंगे और मशीन को धीरे धीरे चलाते जाएंगे और हमारी ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको हम बूट के पीछे इस तरह से रख लेंगे और हमें मशीन बिल्कुल किनारे पे ही चलानी है, ज़्यादा इस तरफ नहीं लेकर आनी है। अब देखिए, जो भी मशीन चलने के बाद में जो फैब्रिक पीछे जा रहा है उसको ये इस तरह से मैंने फिंगर से रोका हुआ है।
और ये ज़्यादा बारीक टाँके नहीं रहेंगे, ये बड़े ही टाँके लगेंगे, बड़ी वाली बकिया या बड़ी वाली स्टिच करेंगे इसमें हम। और इसमें ध्यान रखना है कि आर्म होल को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये देखिए पीछे इस तरह से पूरी गैदर से इकट्ठी हो गई हैं। अब ये वाली जो स्टिच है ये बैक साइड में जाएगी, क्योंकि हमने ये बैक का ही पार्ट पहले लिया था। अब इसको छोड़ देंगे और खींचना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से रिंकल्स आ गए। अब वापस से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से पूरे आर्म होल को हम स्टिच कर लेंगे बिना खींचे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि हमने इसमें इस तरह से ये यहाँ पे गैदर्स इकट्ठे कर दिए। अब ये जो हुआ ये यहाँ पे सिलाई थोड़ी नम हो गई, नम होने की वजह से अब ये स्ट्रेच नहीं होगा। आप देखिए अब इस वाले आर्म होल में और इस वाले आर्म होल में कितना डिफरेंस आ गया। तो ये एक पैटर्न रहा आर्म होल को छोटा करने का। अगर आपका आर्म होल बड़ा हो जाता है तो आप इसी तरह से इसको करिए। अगर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप ये वाली स्टिच इतनी दूर ना लेके आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा किनारे पे लेके थोड़ा सा थ्रेड पुल भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक पैर के मार्जिन पे इसको चलाया है, आप इसे बहुत नज़दीक से आधे पैर के मार्जिन से लेके और थ्रेड पुल करें। अगर जिस केस में आपका बहुत ज़्यादा आर्म होल बड़ा कट हो गया हो उस केस में आप वो चीज़ थ्रेड पुलिंग का काम कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हमें थ्रेड पुल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा फिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें स्लीव लगाते हैं। तो देखिए अब हम इस पर स्लीव रख कर देखेंगे और ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। जितनी भी हमें जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये स्लीव एकदम परफेक्ट इसके अंदर फिट आ जाएगी। अब ये बड़ा नहीं होगा और इसमें यहाँ पे किसी भी तरह से गैदर्स नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम इस स्लीव को फिट करना सीखते हैं। देखिए इस स्लीव का हम सेंटर पकड़ेंगे यहाँ पे सिलाई का, और ऐसे ही हम ये आर्म होल का यहाँ पे सिलाई वाला सेंटर पकड़ेंगे और दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। ये इस तरह से रखने के बाद में इसको हम इस तरह से वापस पलट देंगे पीछे। ये देखिए हमने पलट दिया, अब ये आर्म होल इसके अंदर आ गया इस तरह से। ये देखिए ये आर्म होल आ गया। अब हम इस वाली इन दोनों स्टिच को साथ में मिलाते हुए इसकी पूरी गोल सिलाई लगाएंगे। इस फिटिंग से चलते हुए हमें पूरा काम करना है। कुर्ते की कटिंग और उसकी फिटिंग किस तरह से दी जाती है उसका भी मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप फिटिंग करना और कटिंग करना सीख सकते हैं। सो चलिए अभी हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं खींचना है, बस बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे छोड़ते हुए बिल्कुल सिंपल सिंपल इसको ऐसे हल्के हाथ से रखेंगे और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सेंटर पे सेंटर अपने आप से आ जाएगा, हमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए आस्तीन बिल्कुल स्लीव्स और आर्म होल बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं। तो देखिए इसको धीरे धीरे इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। जहाँ कहीं पे भी झोल आने लगे, आपको ऐसा लगे कि झोल आ रही है, तो बूट उठाकर उसको आप एडजस्ट कर लें कुछ। अब देखिए ये जैसे यहाँ पे झोल जैसे लग रहा है, ये देखिए ये झोल जैसे लग रहा है, तो ये झोल नहीं आएगी। इसको निडल को अंदर दबाएंगे, बूट को इस तरह से उठाएंगे और इस फैब्रिक को एडजस्ट करेंगे इस पर। जब आप ये फर्स्ट टाइम करेंगे तो शायद से आपको थोड़े से इश्यूज आएंगे, बिकॉज वो थोड़े गैदर्स तो आ ही जाते हैं वहाँ पे, तो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये स्लीव इसमें स्टिच हो चुकी है। ये यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये गैदर्स हैं, बट ये बिल्कुल भी गैदर्स नहीं है। आप देखिए इसमें कहीं पे भी कोई गैदर्स नहीं आए हैं, सिर्फ उन गैदर्स का इम्प्रेशन है। तो ये इम्प्रेशन छोड़ा हुआ है, मैं अभी आपको इसको प्रेस करके भी दिखाती हूँ। देखिए कहीं पे बैक में या फ्रंट में कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें स्टिच नहीं हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये प्रॉपर आर्म होल स्टिच हुआ है। ये देखिए अभी मैं आपको ये प्रेस करके भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इसका बैक पार्ट है,
ये मैंने बैक का आर्म होल स्टिच करा है यहाँ पे। अब क्योंकि ये आर्म होल बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये आर्म होल काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जो कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती है, मैंने उसका एक छोटा सा सोल्यूशन निकाल के दिया है। आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।